हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग क्लास 12 में जो भौतिक शास्त्र है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर कैसे लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो साल भर हमको ये सिलेबस पढ़ना है। एमपी बोर्ड में जितना भी सिलेबस है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 1, है ना। एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट भी आ चुका है, आप देख सकते हैं जाकर ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर बात करें तो यूनिट नंबर जो 1 है ना, अपन सबसे पहले चालू करेंगे इकाई नंबर 1। क्या चालू करेंगे? इकाई नंबर 1। ठीक है, इकाई या यूनिट 1, इकाई 1। ठीक है, इकाई 1 जो है हमारी है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की। ये इकाई नंबर 1 है हमारी, या यूनिट नंबर 1। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इंग्लिश में नाम बेटा याद जरूर रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है, आगे हमें काम आएगी। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की। बात करें यूनिट नंबर 1 से, तो यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1, अध्याय 1 जो है हमारा चैप्टर 1, है ना। अध्याय 1 जो है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। दूसरा जो है चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2, वो है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हैं पहली इकाई में। ठीक है, इस पूरी इकाई से अगर हम बात करें, इस पूरी इकाई से जो लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है, इस पूरी इकाई से हमारे पास जो क्वेश्चन आने हैं वो आएंगे 6 मार्क्स के आने हैं। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का है, एक 1 मार्क्स का है। ठीक है, आप लेटेस्ट जो ब्लूप्रिंट आया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से या यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा सिलेबस पे नहीं जाते हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं अपनी बुक में, पूरे चैप्टर्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं और ब्लू प्रिंट से आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से किस मार्क्स, कितने मार्क्स क्वेश्चन आने। हमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, हमको पूरे चैप्टर पढ़ना है, समझना है, अच्छे समझना है, ताकि हमें किसी प्रकार कोई क्लैरिटी ना हो। भले एक नंबर का क्वेश्चन आना हो उस चैप्टर से, लेकिन हमें चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि हम जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, चाहे हम जेई में अपीयर हो रहे हैं या फिर नीट वगैरह दे रहे हैं, आपको वहाँ पर वो चीज़ें काम आएंगी। तो आप हमेशा शॉर्टकट पे चलने का प्रयास ना करें। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से अगर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं तो हमें वो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो चैप्टर तो और डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपका एक भी नंबर कटे नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, अपन लोग चैप्टर 1 को चालू करते हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 1 क्या पढ़ना है? अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 जो है हमारा, अध्याय 1, अध्याय 1 जैसे मैंने बताया, इस अध्याय नंबर 1 जो है विद्युत आवेश, विद्युत, ठीक है, विद्युत, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जैसे मैंने लिखा था अभी, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश पे भी ध्यान दें थोड़ा सा। मैं आपको हर जो टर्मिनोलॉजी है उसे इंग्लिश में जरूर बताऊंगा, आपको इंग्लिश में भी याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो बेटा अभी आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, 11th में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण नाम का। क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है ये हमको पता है। गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए लगता है क्योंकि, क्यों लगता है? क्योंकि हर वस्तु के पास क्या होता है? द्रव्यमान। अच्छा, इसका मतलब हर वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है? बिल्कुल लगाती है। हर वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है वो क्या करती है? वो दूसरी वस्तु पे बल लगाती है। क्यों? द्रव्यमान के कारण। और द्रव्यमान के कारण दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्यों लगता है? वस्तु में द्रव्यमान के कारण। क्या हर वस्तु में लगता है? बिल्कुल हर वस्तु में लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्यों लगता है? क्योंकि वस्तु के पास द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जो बल लगाती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? क्योंकि हर वस्तु के पास क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण लगता है। द्रव्यमान के कारण मतलब हर वस्तु के पास द्रव्यमान है और हर वस्तु के पास द्रव्यमान है जिसे बोलते हैं मास। हर वस्तु के पास मास होता है। इस मास के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। किस बल के नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों लगता है? वस्तु के द्रव्यमान के कारण। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या पढ़ा था? गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है द्रव्यमान के आसपास का क्षेत्र है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? द्रव्यमान के, द्रव्यमान के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र उसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है ना, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होता है उसके आसपास एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। मतलब हर वस्तु के पास द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के आसपास जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। अब बच्चों ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? अब आप लोग बोलोगे 12th पढ़ रहे हो, 11th की चीज़ें इसमें हम 11th की चीज़ें बताने लगे आपको। 11th की चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। अगर अपन समझें जिस प्रकार हर वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण उसके आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये द्रव्यमान जो है वस्तु का गुण है, वस्तु का गुण है, इसे हमें देना नहीं पड़ता। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके पास द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसी तरह जिस प्रकार किसी वस्तु का गुण, एक द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है ना, द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है, वो हमें देना नहीं पड़ता है। हर वस्तु का द्रव्यमान होता है। इस दुनिया में चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, उसके पास क्या है? उसके पास द्रव्यमान है ना। छोटी वस्तु इलेक्ट्रॉन की बात करें जो दिखता नहीं है, बहुत छोटे परमाणु का भी द्रव्यमान होता है, बहुत छोटा कम होता है लेकिन होता जरूर है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। और बड़ी से बड़ी वस्तु की बात करें, सूर्य हो गया, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है ना, मतलब हमारे ग्रहों से भी बड़ा है ना, और उससे भी बड़े कई तारे हैं सूर्य से बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, उनके भी द्रव्यमान है ना। सूर्य का भी द्रव्यमान है, उससे बड़ी ये तारे हैं उनका भी द्रव्यमान है। मतलब दुनिया में छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से वस्तु, उसके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों वस्तु में एक और गुण हो सकता है। कौन सा गुण हो सकता है? इस प्रकार किसी वस्तु में एक और गुण हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश, विद्युत आवेश। आवेश क्यों आता है? आवेश आता है जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लें या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें, इसके कारण किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेने या देने के कारण उसमें आवेश आ जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आवेशित करने की विधियाँ, वो आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसमें आवेश आ जाता है। और जब वस्तु में आवेश आ जाता है वो नए गुण प्रदर्शित करने लगता है ना, वो नए गुण प्रदर्शित करने लगता है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, हम नॉर्मल रहते हैं, हमें एक नॉर्मल गुण रहेंगे। और जब हम ड्रेस पहन के जाएंगे स्कूल, ड्रेस पहन के हम स्कूल जाते हैं तो बढ़िया, हमारे में कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, हम थोड़ा सभ्य हो जाते हैं है ना। घर में तो हम सभ्यता का ध्यान नहीं रखते, लड़ते रहते हैं छोटे बड़ों से, बहस कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हम स्कूल जाएंगे तो बढ़िया ड्रेस पहन के जाएंगे है ना, अच्छे से अच्छी कंघी करके जाएंगे, बाल वाल बना के जाएंगे, नहीं जाएंगे स्कूल जाएंगे हम लोग अच्छे से जाएंगे, बिल्कुल अच्छे मैनर से जाएंगे। मतलब हमारे में ड्रेस आ गई, नया गुण आ गया। क्या आ गया? ड्रेस आ गई, ड्रेस आ गया, ड्रेस हमने ड्रेसअप कर लिया, अच्छी से ड्रेस पहन ली, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, हमें गुण बदल गए। हम वहाँ जाके अच्छे से, सबसे अच्छे से बात करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग है ना,
सर से, अपने मैम से, अपने दोस्तों से अच्छे से बात करेंगे, है ना। घर जैसे नहीं रहेंगे कि बाल फैले हुए हैं, है ना, चड्डा में पहन के घूम रहे हैं, चड्डा पहन के घूम रहे हैं, है ना, निक्कर पहन के घूम रहे हैं। तो लेकिन जब हम स्कूल जाएंगे तो हम ड्रेस पहन के जाएंगे, है ना, ड्रेस पहन के जाएंगे। हमें कुछ ड्रेस पहन के जाएंगे मतलब हमें एक नया गुण आ गया, अब ड्रेस पहन कर हमारे में एक नया गुण आ गया है जिससे हम लोग सभ्य हो गए, अच्छे बच्चे बन गए, ठीक है। पहले भी आप अच्छे बच्चे थे, स्कूल जाने के बाद और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गुण आ गया, क्यों आया, हमने ड्रेस पहनी। इसी प्रकार किसी वस्तु में जब आवेश आता है, जब वस्तु में आवेश आता है तो वो एक नए, कुछ नए गुणों को प्रदर्शित करने लगती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो जब वस्तु में आवेश आता है तो वस्तु क्या करती है, वस्तु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे ब्रह्मांड के आसपास का क्षेत्र क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र है। उसी प्रकार आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी वस्तु में आवेश आता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसी वस्तु में अगर किसी वस्तु में अगर आवेश है तो वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार, किसी तार में, एक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है, धारा, धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर एक तार है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा क्या होती है, आवेश का प्रवाह, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, क्योंकि चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही क्या बनती है, धारा। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण ही तो है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत अपन को पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण। लेकिन हाँ, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, मतलब आवेश प्रवाहित होता है, उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम लोग आवेश की परिभाषा कह सकते हैं कि जब वस्तु का जो आवेश है, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु क्या करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आवेश अपन परिभाषा लिखेंगे, आवेश की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ऐसे कोई स्पेसिफाई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, विशेष परिभाषा नहीं दे रखी है आवेश की, लेकिन हम लोग एक लिख लेते हैं परिभाषा, ठीक है। आवेश, तो अपन लोग कह सकते हैं आवेश, आवेश किसी, आवेश किसी वस्तु, आवेश किसी वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण या प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। कौन, वस्तु। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आवेश की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं। और बुक वगैरह पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा है वस्तु की, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसका उसमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि पहले देखा गया था कि जैसे हम लोग बाल में अपनी कंघी या पेन को रगड़ते हैं और उससे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को टच करते हैं तो कागज़ के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। ऐसी बाल में घिसोगे कंघी या पेन को घिसोगे और भूसा हो गया, भूसा या कोई भी हल्की चीज़ है उसको टच करोगे ना तो वो उसमें चिपक जाती है, पेन में या मार्कर, जैसे मेरे पास मार्कर है, मार्कर को मैं बाल में घिसूं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे टच करूं तो वो उस पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, है ना। इसलिए बुक में ऐसी परिभाषा भी लिखी है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसका उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये भी एक परिभाषा लिखी हुई है ना, तो लिख सकते हैं अपन लोग या करके आवेश वस्तु का, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु में हल्की,
हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, एक जर्नल अपन लोग कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में अपन इनको याद भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आवेश को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, आवेश को हम लोग, आवेश का संकेत की बात करें तो आवेश का संकेत अगर हम लोग बात करें, आवेश का जो संकेत होता है उसे हम लोग क्यू, छोटा क्यू या बड़े क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई बुक छोटा क्यू लिखती है, कोई बुक बड़ा क्यू लिखती है, आवेश का संकेत है। आवेश का मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक, ये तो आवेश का संकेत हो गया, आवेश का मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब पढ़ते हैं, हिंदी में कूलाम्ब लिखते हैं, और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सिंबल में अगर बात करेंगे तो हम लोग इसे संकेत में, अगर मात्रक को अगर संकेत में लिखना है तो फिर अपन सी लिखते हैं इसका, है ना, या फिर अपन सी बस लिख देते, कैपिटल सी, संकेत में लिखेंगे बड़ा सी लिख देंगे, तो ये कूलाम्ब हो गया। ठीक है, आवेश का मात्रक हो गया। और चीज़ें हम लोग 11th में सीखे थे, किसी भी हम भौतिक राशि का विमीय सूत्र भी लिखते हैं, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है, आवेश का विमीय सूत्र जो होता है, देखिए आवेश को कैसे लिखते हैं, आवेश का हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं धारा से, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, क्यों, क्यों हो गया आवेश, आवेश बटे समय धारा, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था ना, आई होता है धारा, तो धारा होती है आवेश बटे समय होती है, आवेश बटे समय धारा, विद्युत धारा या धारा, तो इसको अगर त्रिगुणा कर देंगे तो आवेश हो जाता है, आवेश जो होता है ना, या क्यू जो हो जाएगा, क्यू होता है आई इंटू टी, आवेश होता है धारा गुणित समय, आई टी मतलब आई होगी धारा, टी हो गया समय, आवेश होता है धारा गुणित समय। और धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम्पियर, धारा का विमीय सूत्र होता है मतलब धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर का विमीय सूत्र होता है ए, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड होती है, या टाइम का जो विमीय सूत्र होता है लेकिन हम लोग टी लिखते हैं। अगर यूनिट की बात करते तो यहाँ एम्पियर इंटू सेकंड हो जाती है, लेकिन हम विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं, धारा का विमीय सूत्र होता है ए और टाइम का विमीय सूत्र होता है टी, ये बात समझ आ रही, तो इसलिए ये हो गया यहाँ पे आवेश का विमीय सूत्र हो गया ए टी, आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया ए टी, आवेश का विमीय सूत्र हो गया ए टी। ठीक है, तो ये आवेश का विमीय सूत्र, आवेश के बारे में ये हमें चीज़ें याद रखनी है, ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, आवेश का विमीय सूत्र क्या है ए टी, आवेश का विमीय सूत्र क्या है ए टी। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और इन्हें याद भी रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, नोटबुक में। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट पे विचार करते हैं, कुछ प्रयोग थे उनको हम लोग समझते हैं, बाकी हम लोग वो चीज़ें जानते भी हैं, है ना। देखिए क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या प्रयोग क्या था, कुछ प्रयोग पे देखिए। पहला प्रयोग था कि हमने क्या किया, हमारे पास कांच की दो रॉडें थी, रॉड मतलब क्षण थी, ऐसी रॉड जैसे हमारे पास ये मार्कर है ना, मार्कर ऐसे रॉड, कांच की रॉड थी या मार्कर था ऐसे कह सकते हैं, कांच की एक रॉड बोले। हमने उसको क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको हमने रेशम के, जैसे हमारे पास रुमाल है, इससे हमने इस कांच की छड़ को रब कर दिया, घिस दिया। घिसने से क्या होता है ना, ऐसी हमने एक ग्लास ली, मतलब कांच की छड़ ली हमने, रॉड है कांच की, इसी तरह हमने एक और कांच की रॉड ली, उसको भी हमने क्या किया, उसको भी सिल्क के, रेशम के कपड़े से हमने इसको घिसा, रेशम के कपड़े से। दो रॉड ली हमने कांच की,
है ना, ये दोनों कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी, ये दोनों कांच की छड़ है। और रगड़ा हमने कैसे इसको, रेशम से, रेशम से इसको घिसा, रगड़ा, रगड़ के हमने क्या किया, एक छड़ को तो लटका दिया, एक छड़ को हमने लटका दिया बांध के रस, मान लो हमने एक धागे से इसको छड़ को बांध के, ऐसे रस्सी से बांध के इसको लटका दिया इधर पे। अब हमने इस वाली छड़ को, दूसरी जो कांच की छड़ थी, इसको हमने इसके पास लाया, तो क्या देखा गया, ये जो छड़ थी पहली बार है ना, ये जो छड़ थी वाली, इस वाली छड़ को प्रतिकर्षित कर रही थी, दूर जा रही थी, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। जब हम इस वाली छड़ को इसके पास लाते हैं तो ये वाली छड़ दूर जाती है, ये वाली दूर जाती है जब हम इसको पास लाते हैं, ये प्रयोग में देखा गया। तो कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं, रेशम, रेशम समझते हैं, सिल्क, सिल्क से, कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा था, इसको भी रेशम से रगड़ा था। इसी तरह हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि हमने एक और छड़ ली, लेकिन इस बार हम लोगों ने छड़ ली एबोनाइट की, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है ना, जैसे प्लास्टिक होता है ना, कांच हो गया, पदार्थ है एबोनाइट। हमने एबोनाइट की छड़ को क्या किया, फर, एबोनाइट की छड़ को हमने फर से रगड़ा, फर, फर क्या होता है, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से, है ना, जैसे ऊन जो होता है वो भेड़िए की खाल होता है ना, मतलब कह सकते हैं अपन लोग, उस तरह फर जो होता है बिल्ली की खाल होती है, बिल्ली की खाल, ऐसी एबोनाइट को हमने फर से रगड़ा। इस तरह एक और हमने एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ ली, उसको हमने फर से रगड़ा, इसको भी फर से रगड़ा, ठीक है, फर, ये दोनों एबोनाइट की छड़ है दोनों। फिर हमने देखा कि जब हम लोग इस वाली छड़ को इसके पास लाते तो ये प्रतिकर्षित हो रही थी, ये दूर जा रही थी, इसमें प्रतिकर्ष बल लग रहा था, इसका मतलब ये दूर जा रही थी। फिर अगला हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, मतलब हमने तो नहीं किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक लिया कांच की छड़, एक उन्होंने कांच की छड़ लिया, कांच की छड़ जो थी, कांच को हमने, कांच को हमसे, हमने कैसे रब किया था, रेशम से, कांच की छड़ को हमने रेशम से रब किया और इसको यहाँ टांग दिया, लटका दिया। और हमने दूसरी छड़ ली, एक और छड़ ली हमने, किसकी, हमने ली यहाँ पे एबोनाइट की, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा था, फर से, ठीक है। हमने कांच की छड़ को रगड़ा रेशम से, रेशम से रगड़ कर, रब करके इसको लटका दिया इधर पे घिस कर। इस तरह एबोनाइट की छड़ को हमने रगड़ा फर से और इसको हम इसके पास ले जा रहे थे, फर है ना, लटका के जब हम इसके पास ले जा रहे थे तो ये क्या हो रहा था, ये देखा गया कि ये अट्रैक्ट कर रही एक दूसरे को, ये खींच रही थी, एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, इसमें क्या होता, प्रतिकर्षण हो रहा था। देखिए तीन एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन हमको समझ में आया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रहा था, यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रहा है और यहाँ पे आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है, बताए इस पर आवेश तो है, इस पर भी आवेश, दोनों पे आवेश है, इस पर भी, यहाँ पे दोनों पे आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है वो एक जैसा आवेश है, या तो इन दोनों पे प्लस होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण कब होता है, जैसे मैग्नेट में, चुंबक में प्रतिकर्षण कब होता है, मैग्नेट में या चुंबक में प्रतिकर्षण तभी होता है जब एक जैसे पोल हो, एक जैसे ध्रुव हो, जैसे नॉर्थ है ना, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर पास लाते प्रतिकर्षित करते हैं, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को लाएंगे तो आकर्षित कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है और यहाँ पर भी प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आवेश है वो सेम है और यहाँ पर भी आवेश सेम है, लेकिन एबोनाइट और कांच के क्षण में जो आवेश है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो आवेश है इन दोनों पे विपरीत आवेश है, क्योंकि विपरीत है तभी तो आकर्षित कर रहे हैं, और अगर एक जैसे होते हैं तो यहाँ भी प्रतिकर्षण करना चाहिए था। इसका मतलब एबोनाइट पे जो आवेश है और कांच पे जो आवेश है वो अलग अलग है, क्योंकि अगर सेम होता, सेम होता तो यहाँ भी तो प्रतिकर्षण होना चाहिए था। तो क्या किया गया, यहाँ पर इस पर कांच पर जो आवेश है उसे माना गया प्लस, कांच पर कैसा आवेश माना गया, प्लस आवेश, कांच पर जो आवेश आया था उसे प्लस आवेश। तो डेफिनेटली कांच पे जो अगर प्लस है तो ये एबोनाइट की छड़ पे कैसा आवेश हो गया, ऋण आवेश आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, हाँ, तो कांच पे अगर, कांच पे अगर प्लस आवेश है तो डेफिनेटली जो एबोनाइट है उस पर कैसा आवेश होगा बच्चों, एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश होगा, कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होना चाहिए, कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब कांच पे जो यहाँ पे आवेश था वो प्लस ही था, ठीक है, और यहाँ भी प्लस ही रहा होगा,
प्लस, और इधर क्या रहा होगा, ऋण, ऋण आवेश रहा होगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में भाई? भाई यहां प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा मतलब एक जैसा आवेश रहा होगा, एक जैसा आवेश रहा होगा। अब प्लस था कि माइनस ये हमको नहीं पता था, यहाँ भी एक जैसा आवेश ही रहा होगा क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब आवेश जो है वो अलग अलग था। तो हमने कांच पे माना प्लस आवेश, कांच पे कैसे माना प्लस आवेश, तो कांच पे अगर प्लस मानेंगे तो एबोनाइट पे कैसे हो जाएगा, ऋण आवेश, यही होगा ही नहीं होगा। कांच पर अगर प्लस है तो एबोनाइट पे ऋण आवेश होगा। तो इस तरह से ये भी पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आवेश और धन आवेश। क्या पता चला यहाँ से? आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कितने हो गए? आवेश के प्रकार दो, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा हो गया कैसा? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो एक जैसे आवेश होते हैं, देखो सजाती, सजाती बोलते हैं एक जैसे, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, या बोलते हैं सजाती आवेश, सजाती आवेश, सजाती आवेश, समान प्रकार के आवेश या सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक जैसे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और तीसरा विपरीत आवेश है ना, विपरीत है ना, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश इसको बोलते हैं, विजाती आवेश बोलते हैं, विजाती आवेश, विजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो ये हमने सीखा कि आवेश, आवेश के बारे में हमने जाना, आवेश की परिभाषा जाना। ठीक है, क्या जाना? आवेश की परिभाषा समझा हम लोगों ने। आवेश की परिभाषा को हम लोगों ने समझा कि आवेश क्या होता है, आवेश वस्तु पे एक गुण है। आवेश को हम लोग दर्शाते कैसे? क्यू से, छोटे क्यू या बड़ा क्यू। आवेश का मात्रक हम लोगों ने जाना कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक है, और आवेश का विमीय सूत्र हम लोग देखा एटी, एटी होता है, क्या होता है? एटी, आवेश का विमीय सूत्र। और हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में क्या होता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि आवेश होता क्या, आवेश के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू।